हेलो गाइस, माय नेम इज़ आरुक्ष एंड टुडे वी आर टेकिंग ऑफ टू अमरावती। एक्चुअली आई एम क्वाइट लेट, तो सुबह विकास एंड साहिल पहले ही ऑलरेडी अमरावती जा चुके हैं बिकॉज वहाँ पे आज बर्गर बास्केट ओपन हुई है जो विकास के कज़न की है। तो अभी आई एम गोइंग देयर, इट्स आफ्टरनून एंड इट्स अराउंड 2 o'clock, लेट्स स्टार्ट द राइड। या गैन, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम NH7 हाईवे फ्रॉम सेक्टर 26। अभी हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं, मेरे लेफ्ट पे 26 सेक्टर है, राइट साइड पे पुलिस लाइन है एंड आज मौसम बहुत अच्छा है। अभी कल से बारिश हो रही थी एंड आज सुबह तक बारिश होती रही, अभी अभी धूप निकली है, क्लाउड सारे हट के। यहाँ पे मेरी राइट साइड पे अमेजोन की बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये अराउंड 1 साल हो गया बंद पड़ी है कंस्ट्रक्शन साइट। इसके टॉप पे जाके भी बहुत ज़्यादा ऑसम व्यूज़ आएंगे। लेट्स सी कब जा पाऊँगा मैं वहाँ पे, बट आई डेफिनेटली प्लान अ व्लॉग ऑन इट। ऑलमोस्ट सारा पंचकुला दिखेगा उस साइड से। तो 25 सेक्टर भी हमने क्रॉस कर लिया है एंड अब मोरनी का टी पॉइंट आएगा जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। वहाँ से अभी हम सीधा जाएंगे माजरी चौक, माजरी चौक से वी विल टेक अ राइट ऑन हिमालयन एक्सप्रेसवे, वहाँ से सीधा अमरावती आ जाएगी। तो ये वाला एरिया भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे छोटे पहाड़ हैं बट ग्रीनरी बहुत अच्छी है। एंड सबसे अच्छा काम ये किया इन्होंने, सामने ब्रिज बना दिया। जब इन्होंने हाईवे बनाया तो नियर बाय एनिमल्स को बहुत परेशानी होती थी इधर उधर जाने में, मॉन्कीज़ बहुत हैं यहाँ पे, स्नैक्स वगैरह, तो इन्होंने सामने उनके लिए ब्रिज बना दिया। तो जितने भी मॉन्कीज़ या फिर डियर या जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, बफलोज वगैरह, वो सारे उस हाईवे के थ्रू क्रॉस कर जाते हैं और एक्सीडेंट्स भी नहीं होते। एंड हियर वी हैव रीच्ड द टी पॉइंट। यहाँ से राइट साइड पे मोरनी एंड तिक्करताल जाती है बट वी आर हेडिंग स्ट्रेट नाडा साहिब, नाडा साहिब के बाद माजरी चौक। तो ये वाला हाईवे भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी। इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू विल नो। और ये देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर। तो ये मैंने इसी लोकेशन पे क्लिक करी थी, यहाँ पे सामने पारस हॉस्पिटल है एंड उसके आगे नाडा साहिब है। यहाँ पे लीन बहुत अच्छी करती है बाइक, दो कर्व्स हैं यहाँ पे, पहले लेफ्ट साइड को लीन होती है देन राइट साइड को। सो वी हैव रीच्ड माजरी चौक, यहाँ से वी आर टेकिंग अ राइट एंड यहाँ से सीधा वी विल हेड टूवर्ड्स अमरावती। कोई टर्न नहीं आएगा बीच में, हाईवे है, मज़ा आएगा राइट पे एंड मौसम तो बहुत अच्छा, तो हिल्स बहुत अच्छी दिखेंगी। कितना ऑसम व्यू आ रहा है सामने हिल्स का, तो आई थॉट रुक के कुछ पिक्चर्स क्लिक करी जाएँ। यार कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे हमने अपना ISO रखा हुआ है 100 एंड एफ स्टॉप हमारा वही 4.8 है, क्योंकि इस रेलिंग का बूके जो जा रहा है ना वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है एंड शटर स्पीड हमारी 1/800 है क्योंकि दिन का टाइम है। अभी विकास की भी कॉल आई थी तो चलो निकलते हैं। अभी कैमरे में तो शॉट्स अच्छे दिख रहे हैं, बाकी लेट्स सी PC में जाके एडिटिंग करने के बाद कैसे निकलते हैं। तो पिक्चर्स क्लिक कर लिया मैंने और उसको एडिट करने के बाद आपने देख ही ली कैसे पिक्चर्स आई हैं ये। इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे, व्हाट आई सी वर्सेस व्हाट माय कैमरा सी, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन, मैंने लिंक डाला हुआ है। इंस्टाग्राम पे वीडियो मैंने संडे को अपलोड करी थी एंड 1 घंटे में इसके 4000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे, उसके बाद आके रुक गई थी, आई डोंट नो वाई, बट एकदम से हाइप काफ़ी अच्छी हुई थी। इसको मैंने फीड में भी शेयर नहीं करा था बट उसके बाद भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था इस रील का। तो हिमालयन एक्सप्रेसवे से सीधा आने के बाद जो ये लाइट्स आएंगी, सबसे पहली टॉल क्रॉस करते ही वहाँ से राइट साइड पे जाके बुर्ज कोटिया आएगा एंड वहाँ पे एक बहुत अच्छा
स्पॉट है जहाँ पे तुम चिल कर सकते हो, तो लेट्स सी कि वहाँ पे भी अगर मैं कभी गया तो आई मेक अ व्लॉग फॉर दैट लोकेशन ऑल्सो। तो ऑलमोस्ट हमने हिमालयन एक्सप्रेसवे पे काफ़ी आगे आने के बाद अमरावती पहुंचने वाले हैं हम, और यहाँ से कौशल्या डैम का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। तो सीधा अमरावती की तरफ राइट का कट नहीं था, तो मैं थोड़ा आगे आके वी विल टेक अ यू टर्न एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स अमरावती। और यहाँ पे क्लिक करने की जगह है, हम राइट साइड वाली रोड पे जाके क्लिक करेंगे तो आई थिंक बेटर पिक्चर्स आएंगी। स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी टेक अ यू टर्न। फोन में एक सिस्टम होना चाहिए ना कि आदमी जरूरत के टाइम फोन ना उठाए तो फोन खुद उठ के जाए और आदमी को एक तमाचा लगाए। आपको भी लगता है ना? बहुत अच्छा मौसम है, लाइट ब्लू स्काई है और इतनी गर्मी भी नहीं लग रही क्योंकि रिसेंटली बारिश होके हटी है, तो मौसम इज़ नाइस। और मतलब जब हम दूर की पिक्चर्स क्लिक करते हैं बेसिकली पहाड़ियों की, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो दूर की पहाड़ियाँ दिख नहीं पाती अच्छे से। तो काफ़ी देर से बारिश हुई है, इसकी वजह से सारा डस्ट जितनी भी थी और स्मोक वो सब सेटल डाउन हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा क्लियर व्यूज़ आ रहे हैं। तो रोड पे यहाँ पे भी यही हाल है जैसे हाईवे पे थे, पैचेस हैं, मिट्टी पड़ी हुई है क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और यहाँ पे बैरिगेटर्स मेरे लिए तो अच्छा है, बैरिगेटर्स के साइड में आई स्टॉप एंड क्लिक का पिक्चर और कौशल्या डैम। सो अमरावती हम पहुंच चुके हैं बट यहाँ पे अभी भी पीछे थोड़ा सा अच्छा व्यू दिख रहा है, तो 1855 mm से हम एक दो पिक्चर और क्लिक कर लेते हैं विकास के पास जाने से पहले। विकास की ऑलरेडी दो मिस कॉल आ चुकी हैं बट ये अमरावती रही, दो मिनट में पहुंच गए। सो हियर इज़ द पिक्चर जो मैंने अभी क्लिक करी है एंड उसकी सेटिंग्स भी मैंने आपको बता दी हैं, यू कैन सी वी हैव एंटर्ड अमरावती एंड आई कैन सी विकास, ये खड़ा हुआ विकास। तेरी कसम मैंने ट्राई कर लिया, इतना स्विच ऑफ आओ था। बोल हाय, बोल हाय। तो विकास रौनक से बात कर रहा था, रौनक को भी लेके आना था बट रौनक का ऑन द स्पॉट फोन स्विच ऑफ हो गया, पता नहीं क्या इशू आया था। बर्गर बास्केट अमरावती डू विजिट, काफ़ी अच्छे टेस्टी बर्गर थे इसके। तो हमने बर्गर बास्केट की भी एक दो पिक्चर्स क्लिक करी थी एंड उसके बाद वी आर लीविंग नाउ, सो एंजॉय द टाइम लैप्स नाउ, बाय।